जो है नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव के बाद उनका गठबंधन बना रहेगा या दोबारा वो चुनाव? भाई नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता है कि वो कहाँ खड़े हैं और कहाँ 10 दिन के बाद खड़े रहेंगे। पिछले 7 महीना से जब आप लोग उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे थे, इंडिया का संयोजक बना रहे थे, तब भी मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं, कि वो खिड़की खोल के बैठे हुए भाजपा में, भागेंगे, अगर नहीं भागेंगे तो इनको 5 सीट नहीं मिलेगा। जैसे पता चला लोकसभा नजदीक आया, डर के मारे ये आदमी भागा फिर भाजपा में। अब भाजपा की मदद से जीत जाएंगे कुछ सीट, जीतने के बाद फिर बादशाह बनने लगेंगे, या हमसे ज्यादा पॉपुलर कोई नेता नहीं है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है, ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर है, 1 महीना 2 महीना साल भर अगले चुनाव तक हाथ पांव मार लें, समीकरण बना लें। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं जदयू को 20 सीट नहीं आएगा, चाहे भाजपा के साथ लड़ लें, चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार कर दें। और भाजपा वालों को भी चुनौती दे रहे हैं, अगर इनको दम है, अगर भाजपा के नेतृत्व को दम है तो घोषित करें कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होगा और चुनाव लड़ के दिखा दी विधानसभा में। इनको भी अपनी औकात दिख जाएगी इस बार कि नीतीश कुमार को अपने कंधा पर बैठा के कितना दिन ये लोग बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकेंगे। पिछले ही बार बिहार की जनता ने 42 को उतार दिया था, इस बार इतना नीचे कर देगा कि भाजपा चाहेगी भी तो कुछ नहीं कर सकती है। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी फॉर्मेशन में नीतीश कुमार लड़े, इनको 20 सीट नहीं आएगा विधानसभा में। भाजपा के साथ लड़े तो, जब फिर से भाग के आरजेडी के साथ लड़े तो, अकेले लड़े तो। और दूसरी बात ये कह देते हैं कि भाजपा को दम नहीं है, भाजपा को दम नहीं है कि ये घोषित कर दे कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा का लड़ा जाएगा। अगर ये घोषित कर देंगे तो उनके समर्थन में हम खड़ा हो जाएंगे, नहीं कर सकता। उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार का नाम अगर घोषित किया तो बिहार के जनता सिरे से साफ कर देगा। नीतीश को तो साफ करेगा करेगा, उनको भी कर देगा।